guys, welcome back to my channel Scoop Style. I'm Anjelsina and welcome back to another vlog. So today I'm going to Lavasa. So Pune se yahan pass mein Lavasa hai, thoda sa hilly area hai. So काफ़ी अच्छा सुना है उसके बारे में एंड बहुत सारा वाटर राइड्स भी है वहाँ पे. सो टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लोर दैट एंड ये बहुत ही मतलब प्लान था बट थोड़ा सा रैंडमली एकदम क्विक प्लान बना बिकॉज सुबह का प्लान था. सुबह कोई कैब नहीं मिला था बट अभी का प्लान हो रहा है कैब से जाए कि बाइक से जाए. लेट्स सी व्हाट हैपेंस. सो या आई एम ऑल रेडी एंड आई हैव डिड अ लिटिल बिट ऑफ मेकअप. लाइक थोड़ा बहुत ही मेकअप किया मैंने. ऐसे थोड़ा बहुत लग नहीं रहा है बट येस थोड़ा कंसीलर लगाया है जस्ट फॉर माई बेस एंड देन ब्लश एंड दिस लिपस्टिक इज फ्रॉम माई ग्लैम बट आई एम लाइकिंग द लुक एंड आई एम वेयरिंग ऑल ब्लैक ड्रेस. और ये वाला ड्रेस आपने बांद्रा हॉल में देखा होगा. लेट मी शो यू द फुल पिक्चर. दिस इज द ड्रेस एंड आई रियली लाइक दिस ड्रेस. सबसे बेस्ट पार्ट इसका नेक है, दिस स्क्वायर नेक एंड ऑल्सो इसमें काफ़ी फ्रिल्स है. सो आई एम गोइंग टू टेक अ लॉट एंड लॉट ऑफ पिक्चर्स देयर. आई एम थिंकिंग ऑफ वेयरिंग oxidized earrings. Let's see. Let me wear and see कि कैसा लगता है. This is the brown slip-ons and ये मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही क्यूट है. आजकल थोड़ा इंडो वेस्टर्न काफ़ी अच्छा लगने लगा है मुझे. तो आई एम थिंकिंग ऑफ वेयरिंग दिस झुमका. आई डोंट नो कैसा लगेगा बट आई थिंक इट विल लुक नाइस. थोड़ा इंडो वेस्टर्न टाइप का लुक आ जाता है एंड ब्लैक के साथ ऑक्सीडाइज ईयरिंग्स वगैरह बहुत अच्छा. आई गॉट दिस शूज फ्रॉम अमेजोन और ये बहुत ही क्यूट लगता है. जितना भी आउटफिट का जो भी लिंक होगा मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी एंड दिस इज़ लुकिंग रियली नाइस विद दिस ब्लैक. ब्लैक के साथ तो ऐसे भी ऑक्सीडाइज बहुत अच्छा लगता है एंड वन पीस के साथ मुझे आजकल ना ऑक्सीडाइज वगैरह पहनना बहुत अच्छा लगता है. मैं जब पूरी भी गई थी तब भी मैंने इंडो वेस्टर्न ऐसे ही पहना था. सो या एंड ऑल्सो माई वॉच जो कि मैं निकाल दूँगी. वाटर स्पोर्ट्स के लिए जा रही हूँ ऑब्वियसली बट आई एम लविंग द होल आउटफिट. टू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो व्हाट डू यू थिंक एंड या लेट्स गो. कैब आ चुकी है. ऐसे लवासा 65 किलोमीटर्स दूर था एंड हम लोग को अराउंड 3 आवर्स लगा वहाँ पहुँचने में एंड हम लोगों ने ओला आउट स्टेशन कैब लिया था विच कॉस्टेड अस अराउंड 2000 रुपीज़ फॉर 8 आवर्स एंड 65 किलोमीटर्स एंड द जर्नी वॉज रियली ब्यूटिफुल बिकॉज द व्यू वॉज अमेजिंग. फोटोज़ और वीडियोज़ में उतना अच्छा नहीं दिखता जितना एक्चुअल में अच्छा दिख रहा था और 3 घंटा कैसे बीत गया पता भी नहीं चला. आई एंजॉयड अ लॉट. सीटर फ्लोटर में बैठे थे और वो जेट स्की के पीछे लगा के पूरा लेक में स्पीड में घुमाया. बहुत मजा आया, बहुत थ्रिलिंग था. उतना डर नहीं लगा, मजा ज्यादा आया.
मेरा भीग गया, पैर भी भीग गया, पूरा कपड़ा भी भीग गया, मेकअप मेरा बचा है कि नहीं। इतना सुकून लग रहा है, लास्ट हाफ एन आवर्स में मैं यहीं पे बैठी हुई हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। और अभी हवा भी चलने लगा है, थोड़ी देर पहले तो इतना गर्मी लग रहा था, बट अभी हवा चल रहा है तो इतना अच्छा लग रहा है। बट अभी अराउंड 4 बज गया है तो हम लोग निकलेंगे, अराउंड 12 हम लोग पहुँचे थे, तो इतना टाइम काफ़ी है यहाँ पे, क्योंकि ज़्यादा कुछ है नहीं। वाटर राइड्स है, वाटर राइड्स में सबसे ज़्यादा अच्छा वो टोएबल वाला है, वो उसमें तो बहुत मज़ा आया। मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई क्योंकि हम जिसके साथ आए हैं हम उसके साथ ही हम बैठे थे, तो हम रिकॉर्ड नहीं कर पाए, बट बहुत बहुत मज़ा आया उसमें। मैं पूरा भीग गई थी, मेरा पूरा ड्रेस बाल वाल सब भीग गया था, बहुत ज़्यादा धूप था तो सूख भी गया अच्छे से। उसका प्राइस काफ़ी हाई है, एंड वाटर राइड्स का प्राइस जनरली बहुत हाई है यहाँ पे। जेट स्कीइंग उसके बाद मैंने किया तो उसमें उतना मज़ा नहीं आया जितना उसमें आया, उसमें सबसे ज़्यादा थ्रिलिंग वाला वही था। सो अदरवाइज़ कुछ है नहीं खास यहाँ पे, 3-4 घंटा के लिए घूम सकते हो या तो 1-2 दिन के लिए स्टेकेशन टाइप का अच्छा लोकेशन है, अदरवाइज़ यहाँ पे रुकने के लिए कुछ नहीं है। सो अभी हम लोग निकल जाएंगे, हम लोग आराम से 4-5 घंटे होंगे यहाँ पे। सो ड्राइवर आ रहा है एंड वी विल लीव नाउ। सो इट वॉज़ अ वेरी नाइस एंड रिलैक्सिंग ट्रिप टू लवासा आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम। So yeah, that's it for this vlog. I hope you enjoyed it. Don't forget to like, subscribe and share, and also go and watch my previous videos. Bye bye.